8 सब्जेक्ट कंपोजिशन वर्क। आपको आपकी 200 पेज की जो नोटबुक है वो निकालनी है, उसमें हम पीछे की साइड में जहाँ पर कंपोजिशन वर्क करते हैं वो निकालना है और ऊपर टाइटल देना है डायरी एंट्री, DIARY डायरी, ENTRY एंट्री, ठीक है। उसके बाद में आपको लिखना है DIARY डायरी एंट्री, ENTRY, ठीक है। डायरी एंट्री करके नीचे मार्जिन में आपको लिखना है इमेजिन दैट यू गॉट लॉक्ड आउट ऑफ योर हाउस, यानी कि आप घर से बाहर हैं एंड हैड टू स्पेंड अ नाइट आउटसाइड फुल स्टॉप। राइट अ डायरी एंट्री डिस्क्राइबिंग DESCRIBING योर एक्सपीरियंस, EXPERIENCE एक्सपीरियंस, क्या आप बाहर हैं आपके घर के और आपको वो एक्सपीरियंस शेयर करके आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आंसर करके नीचे की लाइन में लिखिए डे और डेट। जब भी डायरी लिखते हैं यहाँ पर लिखा है फ्राइडे कोमा 10 अगस्त और कोमा 2019 और टाइम होता है वो जब आप डायरी लिखते हैं उसका टाइम लिखना है, ठीक है। डियर डायरी, हम डायरी को लिख रहे हैं तो डायरी को ऐसे करके हम संबोधन करके लिखेंगे डायरी, डियर डायरी। फिर उसके बाद में लिखना है विदाउट पैराग्राफ यस्टरडे आई रियलाइज्ड व्हाट अ होम इज, आई गॉट लॉक्ड आउट ऑफ माय हाउस एंड हैड टू स्पेंड अ नाइट आउटसाइड फुल स्टॉप, आई वेंट टू माय फ्रेंड्स हाउस एंड स्टेड विथ हर, आई मिस्ड एवरीवन इन माय फैमिली इन एडिशन ADDITION टू दोज TOSE मोमेंट्स आई स्पेंट विथ हिम फुल स्टॉप। उसके बाद में नीचे की लाइन में लिखना है विदाउट पैराग्राफ, पैराग्राफ नहीं बनाना है, व्हाट WHAT व्हाट अबाउट दोज हु आर बोर्न एंड डाई ऑन रोड्स ओनली क्वेश्चन मार्क, लाइफ मस्ट हैव बीन वेरी ट्रबलसम TROUBLESOME फॉर हिथेम THE फुल स्टॉप, आई प्रे टू GOD गॉड टू गिव SHELTER टू एवरी वन फुल स्टॉप, अ होमलेस लाइफ sounds SOUNDS meaningless MEANINGLESS as it did to me THOUGH, I was safe and COMFORTABLE comfortable with my friend in her house, नीचे Aryan ARYAN उसने ये डायरी लिखी है इसीलिए, ठीक है। इस तरीके से डायरी एंट्री में ऊपर डे और डेट लिखने की होती है, जिस दिन आप लिखते हो वो, और साइड में टाइम लिखने का होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है आर्यन वो अपने घर से बाहर है, तो वो बता रहा है कि किस तरीके से मैंने सबको मिस किया और किस तरीके से फ्रेंड के साथ मैंने फैमिली को मिस किया। फिर उसने सोचा कि व्हाट दोज अबाउट बोर्न एंड डाई ऑन द रोड्स, जो रोड में सो जाते हैं उसके बारे में क्या, उनके लिए तो लाइफ है वो बहुत ही ट्रबलसम होती है। आई प्रे टू गॉड कि मैंने प्रार्थना की कि मैं सबके लिए शेल्टर मिल जाए, ऐसी मैंने सबको प्रार्थना की कि ये जिसके पास घर नहीं है उसके लिए मैंने प्रार्थना की। अ होमलेस लाइफ साउंड्स मीनिंगलेस एज आई डिड टू मी दो आई वॉज सेफ, यानी कि घर के बिना की जो जिंदगी होती है वो बहुत ही मीनिंगलेस होती है। मैं तो फिर भी सेफ था अपने फ्रेंड के घर पे, लेकिन वो लोग जिनके पास घर नहीं होते हैं उनके लिए स्पेंड करना पूरी लाइफ रोड पे ही वो बहुत ही ट्रबलसम होती है। ये आपको इतना कर लेना है। उसके बाद में
दूसरा पेज निकालना है, उसमें टाइटल देना है एसे राइटिंग। लिखिए एसे राइटिंग, ई डबल एस ए वाई डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी, एसे राइटिंग। होमवर्क में है ये एसे राइटिंग आपको, माय बेस्ट फ्रेंड। नीचे लिखना है मार्जिन के नीचे एरो करके माय एम वाई बी ई एस टी एफ आर आई ई एन डी, माय बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो ये डायरी एंट्री कर लेनी है और होमवर्क में भी आपको ये ऐसे कर लेना है, माय बेस्ट फ्रेंड। डू योर होमवर्क रेगुलरली।